शिक्षक दिवस पर ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर उरुबा बाजार गोरखपुर में शिक्षकों ने छात्र छात्राओं को टीचर डे के बारे में बताया और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। की महिमा अगर बताया जाए तो इस महिमा को बताने में हमारे वेद पुराण भी असमर्थ है, क्योंकि गुरु की महिमा एक दिन या पांच मिनट में नहीं बताया जा सकता है, अपरंपार है। जब तक हम एक अच्छे शिष्य नहीं बनेंगे तब तक हमें अच्छा गुरु नहीं मिलेगा। एक अच्छा शिष्य सबसे पहले बनने का मतलब है कि शिष्ट बनो, अपने दूसरे बड़ों का सम्मान करो, और सबसे बड़ी बात है कि तुम लोग स्टूडेंट लाइफ में हो, छात्र जीवन में हो, तो तुम लोगों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि अपने शिक्षा पर विशेष ध्यान देना। माँ बाप जो है, तुम्हारे जो गार्जियन है वो तुम्हारे पीछे बहुत इन्वेस्ट कर रहा है, मेरा बच्चा पढ़े पढ़ लिख कर कुछ कामयाबी को प्राप्त करे। सभी को क्लास टेंथ और नाइन्थ के स्टूडेंट हो, और तुम लोगों को आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता है और योग्य मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मेरे समक्ष हो और बेहिचक जो है, कोई भी प्रश्न हमसे पूछते हैं और हम उसको बताते भी हैं, यथासंभव बताते हैं। शायद ही कभी ऐसा होता है कि हम लोग नहीं बताए, जो भी पूछते हैं उसको दो दो बार तीन तीन बार में बताते हैं। आज हम लोग शिक्षक दिवस के पुण्य तिथि पर उपस्थित हुए हैं सारे बच्चे। आज का दिन जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। वह हमारे देश के जाने माने शिक्षक, राष्ट्रीय नेता और द्वितीय उपराष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति और भारत रत्न विजेता भी थे। बहुत स्कॉलर व्यक्ति थे, विद्वान व्यक्ति थे, और जब उनका जन्मदिन मनाया गया 5 सितंबर 1888 को उनका जन्म हुआ था और मृत्यु 1975 में हुआ था अप्रैल में, तो लोग उनकी जन्मदिन मनाने के लिए इनके कार्यालय पे गए और उस समय ये उपराष्ट्रपति थे। बोले, सर आज आपका जन्मदिन हम लोग मनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारी इच्छा यह है, मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट यह होगा कि इसको जो है राष्ट्र शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, ताकि पूरे देश में लोग इस दिन जो है शिक्षक दिवस मनाए और सारे छात्रों के हृदय में अपने गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त करें। और यह कहते हुए उन्होंने इसको राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में प्रचलित किया और कहा कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं कोई व्यक्ति अपना जन्मदिन अपने घर पे मनाता है, 25, 50, 100, 2000 लोग आते हैं बस, ज्यादा इतना ही। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर पूरे देश में मनाया जाएगा तो हमको सबसे बड़ा गिफ्ट मेरा यही होगा। उनकी सोच कुछ अलग थी, क्योंकि विद्वान लोग थोड़ा हट कर सोचते हैं, और आज उन्हीं का ये दिन है कि आज जगह जगह जो है पूरे देश में 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। ये याद रहेगा तुम लोगों को किस उपलक्ष्य में मनाते हैं, यही उनका रीजन था। उन्होंने खुद कहा कि इस दिन जो है हम ये चाहते हैं, मेरे लिए सबसे बड़ा त्यौहार गिफ्ट यही होगा कि पूरे देश में ये मनाया जाए, और तब से लगाया आज तक। उनके नाम पे टिकट भी जारी किया गया था, पहले जो लेटर वगैरह लिखते थे ना तो उनके नाम का टिकट भी आता था, अब तो चिट्ठी का जमाना ही खत्म हो गया है, फिर भी करके टिकट मिल जाता है, 5 रुपए का टिकट। हाँ, तो आज जो है इसी उपलक्ष्य में हम लोग आए हैं। अब सारे बच्चों से है कि जो यहाँ पे अपना कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं, जो कुछ बोलना चाहते हो, बारी बारी से आओ, चुटकुला, कहानी, गीत, संगीत, नृत्य, जो भी तुम लोग चाहते हो आज हम मना नहीं करेंगे, है ना। रोज तो पढ़ना ही है, आज आकर तुम लोग बोल सकते हो। तो कौन आएगा सबसे पहले बोलने के लिए? चांदनी विश्वकर्मा। सबसे पहले खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।